दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से आपके अपने चैनल उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आप हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हमें पता है, तो इसी तरह से हमारी वीडियो देखते रहिए। तो आइए चलते हैं, आज हम करते हैं गार्डन टूर और गार्डन में करेंगे ढेर सारा काम और ढेर सारी वेजिटेबल हार्वेस्टिंग। आप लोग कहते हैं कि हम सिर्फ हार्वेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, हम उगाते हैं तब तो हार्वेस्ट करते हैं, है कि नहीं? तो चलिए चलते हैं, उगाएंगे भी और साथ में हार्वेस्ट भी करेंगे। और आप लोगों को भी मैं कहूंगी कि अगर स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। ऑर्गेनिक खाएं, स्वस्थ रहें, डॉक्टरों से दूर रहें, दवाइयों से दूर रहें। दोस्तों राम राम, आज मैं उगाऊंगी बोगनवेलिया की बहुत खूबसूरत वैरायटी, जो बंचेस में फूल खिलते हैं, यानी जो टिप पे फूल खिलते हैं, देखिए इस तरह का। तो मुझे बहुत यूनिक कलर मिल गया, वॉक पे गई थी और आप लोगों को सारा नहीं बताई हूँ कि मेरा कटर कहाँ। मैं इसको अपनी जेब में रखती हूँ और अगर मुझे कुछ ढंग का मिला तो मैं ले लेती हूँ। तो आप ये देखिए, ये ऑरेंज है जो कि नर्सरी में भी नहीं मिलता है, तो मुझे दिख गया। तो ये देखिए ऑरेंज है और एक बहुत ही खूबसूरत वाला पिंक है। दोस्तों मुझे तीन कलर मिल गया, एक कलर कुछ ऐसा है, ये देखिए। तो इस तरह से मुझे ये मिल गए तो मैंने इनको काट लिया कटर से। तो काट कर मैंने इनको साफ़ कर लिया है। दोस्तों हमेशा कटिंग जो है तो बहुत पतली मत लगाएं, हल्की सी मोटी लगाएं। इससे क्या होगा कि आपका पौधा जल्दी तैयार होगा। पतली लगाएंगे तो चार साल उसी को पोसते रहेंगे। ये जिस तरीके से मैं लगाती हूँ, हर हाल में उग जाता है। तो ये आपका पौधा एक साल का जब होगा तो ये पाँच साल का दिखेगा। तो इसलिए हमेशा मैं शुरू से ही इसी तरह की कटिंग लगाती हूँ और पहले भी बहुत सारा तैयार किया है जिसको मैंने ज़मीन से उखाड़ा है, तो वो बाद में मैं करूँगी, दिखाऊँगी। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए कितना सुंदर कलर है ना, एक ऐसा है। तो ये सारे 21 ज्वेल्स की वैरायटी है, ये जितनी भी इसमें कलम है। तो हमें करना क्या है कि जिस तरह से हमने इसको साफ़ कर लिया, ये देखिए इसके ऊपर के सारे पत्ते अभी मैं और हटा दूँगी बाद में। पत्तों को हटा दीजिए, ऊपर की ये सबको काट दीजिए और इस तरह से कम इतना बड़ा आपका रहना चाहिए। ये देखिए ये मेरे ख्याल से 2 फुट का होगा, हाँ 2 फुट का होगा। तो ये आपको बहुत इसको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा तैयार करने के लिए। दोस्तों इसको जब भी आप लाएं, आपको अगर कटिंग उगाने में देर हो रही है तो फंगीसाइड के पानी में इसके नीचे वाले भाग को डुबाकर रख दीजिए। ध्यान रखिए कि नीचे का भाग हमेशा नीचे रहे, क्योंकि तभी उगेगा। अगर आपने उल्टे तरफ से उगा दिया तो आपकी कटिंग ये नहीं उगेगी। तो दोस्तों इसको हमने साफ़ कर लिया है, इसके सारे देखिए निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसके ये नीचे का इतना इसको हमको ऐसे खरोच देना है। अब चूँकि मैं ही वीडियो बनाती हूँ, मैं ही शूट करती हूँ और मैं कोई कैमरे का स्टैंड वगैरह नहीं रखा हुआ है, तो मैं इसको इस तरह से पहले कर लूँ, फिर मैं आगे की प्रक्रिया आपको बहुत बताती हूँ। बहुत आसानी से आप एक साल में 5 साल के बराबर पौधा आप तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आप अपने पौधे को तैयार कर सकते हैं। अब ये मुझे अपना काम रोकना पड़ेगा क्योंकि हमारी गौ माता ये हमको टाइम नहीं देती हैं, इनको तुरंत इनकी सेवा करनी होती है। तो आगे का मैं बाद में बताती हूँ। तो दोस्तों जब तक ये भोजन ग्रहण करती हैं दोनों माता हमारी, तब तक इसको हम कर लेते हैं। तो इसको हम नीचे का भाग हल्का हल्का छील लेंगे, 3 अंगुल के बराबर है। देखिए हाथ से आप अंगुल लगाकर 3 अंगुल के लगभग आप इनको छील लीजिए। छील कर हम क्या करेंगे हम बताते हैं आपको। तो दोस्तों देखिए इस तरह से हमको इनको छील लेना है। ये देखिए दोस्तों एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इनको बहुत देर तक ऐसे खाली मत रखिए। इनको पानी में, फंगीसाइड के पानी में आपको घंटे 2 घंटे 3 घंटे शाम सुबह जब भी आप उगाएं तो इसको पानी में डुबा कर रखें। इसका मॉइस्चर नहीं उड़ना चाहिए। और इसके बाद ये जैसे ये इस तरह से है ना, एक बात और बहुत महत्वपूर्ण आपको बात बताना चाहती हूँ कि कभी भी आप कटिंग को एक कटिंग ना उगाएं, हमेशा मतलब 4-6 कटिंग को उगाएं। तो इससे क्या होगा कि चलो 1-2-4-5 ऐसा लगता है, हालांकि उग सब जाते हैं ये, लेकिन बाय द वे अगर मान लीजिए नहीं उगता है तो कम से कम कुछ तो मिलेगा। तो इसलिए हमेशा मतलब
ज़्यादा में कटिंग उगाएं, जब भी कटिंग लें तो ज़्यादा लें और ज़्यादा उगाएं। तो इसको हमको जल्दी से जल्दी फंगिसाइड पानी में डुबाना होगा ताकि इसका मॉइस्चर ना उड़े। तो दोस्तों ये है फंगिसाइड, कौन सा है इससे क्या मतलब, फंगिसाइड है ये देखिए, इसमें हमने घोल दिया है। अब चूँकि आज फंगिसाइड मेरे पास ज़्यादा नहीं था तो मैं ज़्यादा पानी में घोलूँगी तो फिर ये इनको नहीं मिल पाएगा, इसलिए कम पानी में हमने घोला है। और ये फंगिसाइड में डुबाने का मतलब ये है कि कई बार कलम लगते लगते पत्तियाँ भी आ जाती हैं लेकिन उनमें फंगस लग जाता है, नीचे से सड़ जाती हैं और वो नहीं उगती हैं। तो इससे क्या है ना कि गारंटी है कि आपका उगेगा। ये देखिए, तो अभी मैं इसको इसमें रख दूँगी, मुझे चूँकि काम है, मेरी गौ माता लोगों की थोड़ी सेवा करनी है, इसके बाद फिर मैं आगे का प्रक्रिया जो भी बताऊंगी, लेकिन पहले सबसे पहले हमको इसमें डुबा कर रख देना है। आप जब उगाएं तभी इसको निकालें और नहीं तो तब तक इसी में आप ऐसे देखें इस तरह से रहने दें। इसका जो नीचे का भाग है वो फंगिसाइड में डूब गया है, आज लास्ट था आधा चम्मच के लगभग था तो मैंने कम पानी में घोल कर इसको डाल दिया। अब मैं फिर से लाऊँगी और मैं उगाऊँगी। तो इस तरह से आप सारे कटिंग को फंगिसाइड के पानी में डुबोकर रख दीजिए। दोस्तों आधे घंटे के लगभग हो गए, वैसे 10 मिनट 15 मिनट भी फंगिसाइड के पानी में डुबोएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे को काम था इसलिए आधे घंटे इसमें रह गए। अब इनको आप फंगिसाइड पानी से निकाल लीजिए एक एक करके, इनमें थोड़े कांटे रहते हैं, हालांकि इसमें कम कांटे हैं, मैच्योर है ना ये डंडियाँ इसकी, पर फिर भी कांटे तो रहते हैं दोस्तों ना। इस तरह से इनको सबको निकाल लीजिए। 10 मिनट सूखने के बाद आप एलोवेरा जेल को इसके जड़ की तरफ जहां आपको रूट चाहिए, अगर आपके रूट आपके पास रूटीन हार्मोन पाउडर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इसमें भी रूटीन हार्मोन के पावर रहता है इस पर, तो इसमें इसको ग्रो करने में मदद करता है और इसमें मतलब कि इसको थोड़ी सी ताकत भी मिलती है तो ये और अच्छे से ग्रो होता है। तो इसको आप इस तरह से पूरे में जितना आपका है वो सब में आप लगा दीजिए। तो हमने बहुत अच्छे से इसकी जड़ जहाँ से निकलेगी वहाँ हमने एलोवेरा जेल को लगा दिया है। एलोवेरा जेल इसकी जड़ को निकलने में मदद करेगा और इसको सड़ने भी नहीं देगा, इसमें फंगस भी नहीं लगने देगा, हालांकि फंगिसाइड हमने मिला दिया है। एलोवेरा में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं दोस्तों, इसको आप खा भी सकते हैं, आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, चेहरे पे लगा सकते हैं तो आप सुंदर बनेंगे, बालों में लगाएंगे तो आपके बाल सुंदर बनेंगे, तो बहुत सारे गुण होते हैं। तो दोस्तों एलोवेरा जेल अगर आप लगाते हैं तो ये हर मर्ज की दवा है, आपके पौधों को तो ग्रोथ देगा ही, इसकी खाद भी बहुत अच्छी बनती है जो कि हमने बताया है आपको कि किस तरह से इसकी खाद बनाएं आप, लिक्विड खाद। तो इस तरह से एलोवेरा को भी आप अपने घर में ज़रूर लगाएं क्योंकि इसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं और ये आपको हर वक्त काम आएगा। अगर ज़रा सा भी कहीं जल जाए ना तो इसको तुरंत लगाइए, तुरंत ठंडक आएगा और फोड़ा भी नहीं पड़ेगा, फफोले भी नहीं पड़ेंगे। तो अब इसको हम 10 मिनट तक सूखने देंगे, तब तक हम तैयारी करेंगे कि हमको इसको कहाँ उगाना है। दोस्तों कलम उगाने का बेस्ट टाइम है फरवरी या तो फिर अगस्त, लेकिन हम फरवरी और अगस्त का इंतज़ार नहीं कर सकते, तो हम इसको ऐसा वातावरण देंगे कि ये मतलब मरे ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में ये पौधा सूख जाएगा तो फिर जड़ कैसे निकलेगा। तो कोशिश करें ऐसी जगह पे इसको रखें कि इसका मॉइस्चर ना उड़े, मॉइस्चर अगर और पतले जो रहते हैं ना तो मॉइस्चर उड़ने के कारण ही ज़्यादातर मरते हैं, इसलिए थोड़े मोटे आप उगाइए तो इनके मरने के चांसेस कम रहते हैं और उगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों हम अपनी कलम को यहाँ पर उगाएंगे क्योंकि यहाँ ठंडक रहती है, छाया रहती है और हमारे छत से जब पानी ओवरफ्लो हो जाता है टंकी से तो वो दिन में दो बार सुबह और शाम नेचुरल अपने आप बारिश होती है जो कि टंकी के ओवरफ्लो होने से होती है, बट इसको पानी मिलता रहेगा। तो दोस्तों यहाँ खोदा हुआ है, ज़मीन हल्की है, बस इनको मैं इस तरह से ये देखिए ऐसे गाड़ दूंगी, थोड़ा अंदर तक इनको गाड़ना है ताकि ये हिले ना और डिस्टर्ब ना हो। तो इस तरह से सारी कलम को मैं यहाँ पर गाड़ दूंगी, ये देखिए ऐसे थोड़ा अंदर तक गाड़िएगा ताकि ये हिले ना
और ज़मीन से जाके पकड़ ले, ज़मीन को ये पकड़ ले। हालांकि इसको भूसी और रेत में उगाना चाहिए, लेकिन अभी वो नहीं है वातावरण, धूप है, इसलिए उसको उसमें अभी मैं नहीं उगाऊंगी। यहाँ हमेशा गीला रहता है, ऊपर से बारिश होती है, मतलब जब टंकी हमारी ओवरफ्लो करती है ना, तो ऊपर से पानी नीचे गिरता है, तो मैं इसको यहीं पर उगाऊंगी। अच्छे से अंदर तक इसको दबाएं ताकि ये मिट्टी के संपर्क में आए। ऊपर पोला रहेगा तो ये गिर भी सकता है नीचे, और गिरेगा बार बार, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको गिराना उराना नहीं है, एक बार लगा दिए इसके बाद इसको छूना भी नहीं है, है ना। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो कोई कारण नहीं है कि आपका ये तो ज़्यादा ही चला गया। अरे यहाँ पहले से लगता है उगाई थी, चलो कोई नहीं, यहाँ कर देते। इसने तो मेरे शर्ट को पकड़ लिया, देखिए कितनी मेहनत करती हूँ मैं, जंगल झाड़ी में घुसी हूँ, मच्छर खाए ले रहे हैं, लेकिन मैं इतनी मेहनत से इनको लाई हूँ कि इनको मैं उगा कर ही जाऊँगी दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों दो बार बारिश होती है, मेरे घर के तमाम जगह में ना चौलाई का भंडार थोड़ा छाया रहेगा, पूरा नहीं उखाड़ती, इनको रहने देती हूँ। तो इस तरह से इस जगह पे मैं इसको दबाऊंगी, इसको वही वातावरण मिलेगा जो बारिश में मिलता है अगस्त के टाइम में, क्योंकि दो बारिश में सुबह शाम पानी अपने आप गिरेगा दोस्तों। ये प्लास्टिक है यहाँ, ये देखिए, इस तरह से थोड़ा अंदर तक इसको दबाना है। वैसे इसको बालू में लगाना ज़्यादा उचित रहता है, लेकिन बालू और भूसी में मिक्स करके थोड़ी सी खाद चाहें तो मिला दें, उसमें लगाना ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन दोस्तों अभी इसमें इसको इसी में लगाना पड़ेगा, यहाँ नहीं हो रहा है, ये देखिए। अब इसको आपको टच नहीं करना है दो महीने तक, आपको ये 20-22 दिन में इनमें नई ग्रोथ, नई पत्तियाँ, नई ब्रांचेस, कोपले निकलना शुरू हो जाएंगे। देखिए मैं आपको बता रही, 20-22 दिन में आप इसको देखिए, 20-22 दिन में किस तरह का दिखेंगी मैं आपको बताऊंगी। एक बात बताना भूल गई थी, जिस फंगीसाइड के पानी में आपने इनको डाला था उसी पानी को इनके जड़ों में आप डाल दीजिए, तो अगर मिट्टी में किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो वो ठीक हो जाएगा और ये सड़ेंगे नहीं। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं 20-22 दिन बाद ये किस तरह। तो दोस्तों 20-22 दिन बाद ये कुछ इस तरह का इनका अपडेट, देखिए जिस ये पत्तियां निकल रही हैं, लेकिन इनको छूना नहीं है, इनको हिलाना नहीं है, इनको किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं करना है। ये देखिए 20-22 दिन बाद कुछ आपका कलम इस तरह से दिखेगा, लेकिन इसको आप दो महीने इस जमीन से कतई टच मत करिएगा और मत निकालिएगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा इनमें पत्तियां निकलना शुरू होंगी, 20-22 दिन बाद आपको ये ऐसा दिखेगा, इस तरह से ये देखिए जैसे पत्तियां निकल रही है ना, ये देखिए ये सब पत्तियां निकल रही हैं। तो 20-22 दिन बाद आपकी कलम कुछ ऐसी दिखेगी, लेकिन आपको इसको दो महीना नहीं डिस्टर्ब करना है। एक महीने में भी आप कलम उखाड़ सकते हैं, लेकिन इनकी जड़ें जो है बहुत कोमल होती हैं और इनको हमने जमीन में उगाया है, अगर हम खींचेंगे तो इनका ये टूट सकता है, इनके रूट्स टूट सकते हैं, इसलिए इनको हम दो महीने बाद ही दूसरे पॉट में इनको लगाएंगे, इनको पॉट देंगे। सुबह शाम इनको पानी देना है, अगर आपके पास ऐसी सुरक्षित जगह नहीं है तो इनको छाया में रखिए और इनका मॉइस्चर खत्म मत होने दीजिए, सुबह शाम इनको पानी दीजिए। इनके मतलब इनके ऊपर से इनको नहलाते हुए पानी आपको देना है, ना कि सिर्फ जड़ों में, ताकि इनके ये जो इनका तना है इसका भी इनमें भी मॉइस्चर। तो दोस्तों हम आ गए अपनी खूबसूरत छत पर और आपको हम अपने बोगनवेलिया दिखा रहे हैं। मुझे इस पर भी अभी काम करना है, मैं फिर कटर नीचे भूल गई, क्योंकि बहुत सारे बोगनवेलिया हैं जो मेरे प्रूनिंग के लिए हैं, जैसे इनको मुझे ऊपर से कट करना होगा तभी इसमें ब्रांचेस आएंगी, ये देखिए, और नहीं तो ये ऊपर ऐसे चलता जाएगा, तो इनमें ब्रांचेस लेने के लिए मुझे इनको कट करना होगा। तो दोस्तों ये है
बोगनवेलिया की एक बहुत ही खूबसूरत वैरायटी जो थोड़ी यूनिक भी है, और नर्सरी में तो ये कतई नहीं मिलती है। ये डबल पेटल की, डबल कलर की है। आप देखिए, इसमें पहले हल्का सा ऑरेंज निकल रहा है और इसके बाद जो है पिंक, वो भी डार्क पिंक नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने 21 ज्वेल्स इसका नाम है, इसकी ढेर सारी वैरायटी लगाई है, यूनिक वैरायटी लगाई है, जो आने वाले टाइम में मैं आपको बहुत जल्द दिखाऊंगी। देखिए कितना खूबसूरत। ये बहुत ही छोटा पौधा है दोस्तों, अभी ये इसको मैं कह सकती हूँ कि 6 महीने का भी नहीं है, ये 4 महीने का पौधा है, और इसको भी हमने कलम से ही उगाया था। और इस तरह से देखिए कितना खूबसूरत ये पौधा, कितने खूबसूरत इसमें फूल दिख रहे हैं। देखिए इसके फूल जो है ऐसे बंचेस में आते हैं और टॉप पे रहते हैं, टिप पे रहते हैं, मतलब जो इनका पौधा होता है उसके टिप पे। अब इसको आप जितना प्रून करेंगे, जितनी खाद पानी और अच्छे से इसका देखभाल करेंगे, उतना ही खूबसूरत इसके फूल होते हैं। बहुत छोटा है इसलिए ऐसा है। धीरे धीरे इसको मैं प्रून करूंगी और ढेर सारे इसमें शाखाएं निकलेंगी, इसके बाद ये बहुत खूबसूरत दिखेगा। तो ढेर सारा मैं कलम तैयार कर रही हूँ, बहुत यूनिक आने वाले टाइम में मैं आपको दिखाऊंगी। और ये वाला भी मेरा प्रून के लिए देखिए तैयार है दोस्तों। मैं भूल गई प्रून और रिपॉट, तो पहले मैं प्रून करूंगी इसको, और इसके बाद 2-4 दिन बाद इसको मैं अच्छे से खाद पानी देकर फिर से ऊपर की मिट्टी निकाल कर इसमें खाद पानी दूंगी। ये देखिए ये खिल चुके हैं, बहुत खिला था, इतना खिला था कि इसकी डालें जो है नीचे झुक गई थी। ये वाला भी दोस्तों बहुत खिला था, तो इसको हमने प्रून कर दिया। तो इसमें देखिए अभी इसमें ये ब्रांचेस निकलने शुरू हो गए, कोपले निकलने शुरू हो गई हैं। तो ये वाला भी मेरा प्रून करने के लिए है, लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा फूल ज़्यादा है दोस्तों। ये भी डबल कलर है, आप देखेंगे शुरू में ऑरेंज निकलता है और इसके बाद ये पिंक होते जाता है। आप देखिए ध्यान से, ये ऑरेंज ऐसे निकलता है और इसके बाद ये पिंक होते जाता है। तो दोस्तों ये भी थोड़े मोटे ही मैंने इनके कलम उगाए थे, इसलिए ये इतनी जल्दी तैयार हुए। ये वाला भी देखिए थोड़ा सा मोटा ही है ना, ये 6 महीने से ऊपर के नहीं है पौधे दोस्तों। और एक ये भी अभी इसमें फूल आ रहे हैं, ये भी दोस्तों छोटे से पॉट में लगा है, तो इसको कल मैंने एक को रिपोर्ट किया है, इसको भी जल्दी ही करूँगी। तो इसका भी बड़ा अच्छा पीच कलर है इसका, अभी दिख रहा मुझे। और बाकी ये इसको भी मेरे को इस पर भी थोड़ा सा काम करना है, ये वाले पे, लेकिन ये गर्मी के कारण अभी मैं पौधों पे ज़्यादा काम नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो है इनकी ग्रोथ रुक जाएगी और बहुत ज़्यादा टाइम फिर लेंगे ग्रोथ के लिए। एक ये भी है दोस्तों, इसमें भी कौन सा कलर खिलेगा मेरे को नहीं पता। तो इस तरह से दोस्तों बंदरों ने हमारे उसको बहुत नुकसान किया, पर ठीक है, फिर से हम कोशिश करेंगे और फिर से नए सिरे से तैयार करेंगे। हमारे हिबिस्कस है देसी वाले, देखिए कितने सुंदर खिले हुए हैं। और कल ये खिला था, इसको मैं आपको दिखा नहीं पाई थी, सूख गया दोस्तों। देखिए बहुत प्यारा कलर खिला था। इनके सूखी पत्तियों को हटाते रहिए, और इनमें बहुत जल्दी बग्स के अटैक होते हैं, उनको ध्यान देते रहिए। और जो भी आप दवा छिड़कते हैं इनमें छिड़कते रहिए, ऑर्गेनिक तरीके से बनाकर या जैसे भी, तो आपके ये बचे रहेंगे और ढेर सारे फूल आपको इस तरह से देते रहेंगे। दोस्तों ये सब्जियां हैं, ये भिंडी है, धनिया ख़त्म हो गई। धनिया गर्मी में अपने आप ही ख़त्म हो जाती है, कितनी भी कोशिश कर लो। ये पालक है, जो पालक मिल रही है हम बस तोड़ नहीं पा रहे हैं। भिंडियां भी हमारी बहुत अच्छी हो रही हैं देखिए, और सब में फूल और फल आना शुरू हो गया है। इसमें जो ये चौलाई हो गई है इसको हटाना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा अच्छे से होगी। और इसको दोस्तों मुझे हर हाल में प्रून करना है, लेकिन ये इतना हैवी है कि मैं इसको घसीट तक भी नहीं पाऊँगी, ये पेड़ ही बहुत हैवी है दोस्तों। इसको ये जो है ना, ये देखिएगा आप, डबल कलर है और हल्का पिंक है। आज मैं जो उगाई हूँ वो डार्क पिंक है, ये देखिए कि हल्का पिंक है और वो इसमें डबल कलर है। देखिए ऑरेंज भी आपको दिखेगा, ये देखिए ध्यान से, रुकिए मैं बड़े बंचेस में दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें आपको ऑरेंज भी दिखेगा और पिंक भी दिखेगा। वो जो हमने आज उगाया है वो डार्क। ये हम आ गए अपनी खूबसूरत छत पे, ये लाल भाजी हमारी लहलहा रही है, अभी छोटी है। तो दोस्तों कल हमारे यहाँ एक लेडी आई थी बड़ी प्यारी सी, तो वो जो है उनको कुछ पौधे और कुछ सीड्स चाहिए था, तो उनको मैंने दिया। दोस्तों दूर से आई थी और तेज़ धूप हो गई थी, मतलब पता नहीं 12 बज रहे थे कि क्या, उस टाइम पे मैं भी छत पर आई और उनको जो जो ज़रूरत थी वो मैंने उनको दिया।
मैं एकदम से मतलब उनके बातचीत और ये सब में भूल गई कि मैं उनकी एक सुंदर सी फोटो या वीडियो ले लूं, तो नहीं ले पाई। पौधे उनको मैंने ढेर सारे दिए, उनको लौकी का चाहिए था, लेकिन भरी दोपहरी में लौकी बहुत सेंसिटिव होता है, सॉफ्ट होता ही मर जाता। मैंने कहा लौकी का पौधा तो है लेकिन इसको आप ले जाएंगी तो ये मर जाएगा। दोस्तों ये ककड़ी है जो बहुत सुंदर चल रही है, देखिए अब इनमें फ्रूटिंग होनी शुरू हो गई। तो फिर उनको मैंने सीड्स दिए, लौकी के सीड्स दिए। मैंने कहा आप सीड्स ले लो मैंने कहा मैं आपको वेजिटेबल भी देती लेकिन वेजिटेबल हमारे बंदर खा गए हैं। देखिए इस तरह से हमारे चौलाई के सीड्स जो है अपने आप तैयार होते हैं और तैयार होकर पूरी मिट्टी में गिरते हैं, जो ब्लैक है ना ये सीड्स हैं इसके। तो अपने आप, अब जैसे इसको उखाड़ के हम फेंक उसमें डालेंगे कंपोस्ट होने के लिए, तो इनके सीड्स जो हैं वो सड़ते नहीं हैं तो वो फिर उसी में रह जाते हैं। तो दोस्तों उनको चाहिए था वाइट कलर का अडेनियम, वाइट और रेड दो तरह का मैंने उनको अडेनियम दिया, तीन चार अडेनियम दिए। दोस्तों उनके पास जब मैंने ये दिखाया अपना ये अपराजिता, तो वो बोले उनके पास ब्लू कलर की डबल पेटल की है। तो मैंने कहा आपको मेरे लिए लेके आना था, तो वो बोली हाँ नहीं ले आ पाई। तो वो बोली है कि मैं दूंगी आपको, तो मैं अभी मिला नहीं है लेकिन मैं खुश हो रही हूँ। गार्डनर कितने अजीब टाइप के होते हैं। उनका बेटा आया था, बोला मैं नहीं जाऊँगा, आप इतनी देर जा रहे हो उनको डिस्टर्ब करने तो वो परेशान होंगी। तो मैंने फिर बच्चे को बुलाया, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं परेशान होंगी, मैं परेशान नहीं होंगी, आप चिंता मत करो। देखो उखड़ गया पानी से, इसको मुझे लगाना होगा। इस तरह से दोस्तों पौधों में ध्यान देना होता है। ये उखड़ गया था, ये देखिए, और ये जिंदा है, मरा नहीं है। ये वाला भी मेरा कितना अच्छा तैयार हो रहा है लेकिन आड़ा टेढ़ा इधर किनारे में पड़ा हुआ है। तो उनको तीन चार पौधे मैंने दिए अडेनियम के, एक उन्होंने रेड मांगा और दो मैंने उनको वाइट दिए, बोले वाइट नहीं है, और फिर रेड भी दिया हमने। तो वो बहुत खुश हुई, उनको बड़ा अच्छा लगा। ये देखिए इसमें भी फूल खिलना शुरू हुआ मेरा अडेनियम में। अभी कौन सा कलर आएगा नहीं पता, इसकी पत्तियां ही अलग हैं देखिए, है ना। और इसमें भी फूल आ रहे हैं, ये भी ग्राफ्टेड है दोस्तों। तो मेरे पास ग्राफ्टेड वाले ज़्यादा नहीं हैं, ये पड़की तो कब्जा ही कर ली है हमारे यहाँ, लेकिन अब क्या करें, इसको ये भी इसको मेरी आदत हो गई है और मुझे इसकी आदत हो गई। ये देखिए बैठी है, वो चुपचाप आंख मटकाते मेरी बातों को सुनते रहती है। ये देखिए ये कितना सुंदर कलर और कितना खेल रहा है, देखिए हमारा ये वाला डेनियम कितना प्यारा कलर है इसका। ये वाला भी नहीं खिला है और बाकी ये सब खिल रहे हैं, थोड़ा मोड़ा जो भी है। और ये जो छोटे हैं ये भी बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी जब अपने टाइम में आएंगे ये भी खिलेंगे। और ये सब, ये कैसे थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है दोस्तों, वही तो सब हर पौधे को थोड़ा ना देखना होता है। ये इसको मैं ऐसे कर दूंगी ना, तो ये थोड़ा हाँ ऐसे ही था, ये हवा वबा से ऐसे हो जाते हैं। इसको सपोर्ट यहाँ दी हूँ कि तू आराम से घुटने मोड़ के बैठ, तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगी मैं, लेकिन बीच बीच में अपने आप प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हवा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो बेचारा क्या करेगा, इसको तो पौधे तो अपने से कुछ कर नहीं सकते ना। अब जैसे जानवर हैं वो खुद कुछ कर नहीं सकते, कुछ ले नहीं सकते, उनको आपको देना है, उनको प्यास लगी है तो पानी देनी है, देना है, खाना देना है। इसी तरह से पौधों को प्यास लगी है, खाना देना है, पानी देना है, क्योंकि ये खुद कुछ नहीं कर सकते। तो आपको ही अपने पौधों का ख्याल रखना होगा। उन्होंने बड़े ध्यान से मेरे गार्डन को देखा और इसको देखा तो बोले ये क्या है, बड़ा अलग है। मैंने कहा ये थाई वैरायटी है और इसको हमने मंगाया है बाहर से, अब बस मैं इसको बचा लूं जिंदा तो मैं कहूं। देखिए कैसे इसमें भी ऐसे ये पत्तियां इसकी सूखी हुई हैं, ऐसे सूखी पत्तियों को हटा दीजिए नहीं तो उससे फंगस लगने की संभावना ज्यादा रहती है। ये देखिए ये, तो इस तरह से ढेर सारे मैं अडेनियम तैयार कर रही हूँ, दे देती हूँ दोस्तों जो आते हैं। बेचारे इतनी दूर से इतनी धूप में आई थी, चेहरा लाल हो गया था, मैंने कहा आपको जो जो चाहिए ले। हाँ उनको जेड भी चाहिए था, जेड भी दिया हमने। कई लोगों का सवाल रहता है कि जेड हम क्या दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते दोस्तों, अगर हम एक दूसरे को नहीं देंगे तो कहाँ से आएगा, हमारे पास कहाँ से आया, किसी ने दिया या तो हमने खरीदा, तो फिर देने में क्या बुराई है। लोगों को लगता है कि जेड जो है कुबराक्षी पौधा है, लक्ष्मी का पौधा है, कुबेर का पौधा है, तो इसको नहीं देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्या एक मेरे को एक दोहा है जो हमने पढ़ा, दोस्तों मैं टीचर भी थी ना इसलिए कभी कभी कुछ याद आ जाता है।
पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही बड़ों का काम, यही बड़ों का काम। ऐसा कुछ है ना, आप लोग पूरा करना इसको, मैं कर सकती हूँ लेकिन आप लोग करना। तो पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही बड़ों का काम। मेरे पास जो है मैं देती हूँ लोगों को, हालांकि उनको भी मेरे लिए डबल पेटल लेके आना था दोस्तों, गार्डनर जो है ना तो एक दूसरे को थोड़ा सा सॉरी पर डबल पेटल उनके पास अपराजिता है, तो मेरे मन में बार बार वही आ रहा है मुझे कब मिलेगा वो। तो दोस्तों जिसके पास जो रहता है ना उसको ऐसा, अब जैसे मेरे पास अभी ढेर सारी ये ककड़ी, ये खीरा, ये सारे कुछ फ्रूटिंग करना शुरू कर दिए। अब मुझे मेरे पास नहीं है डबल पेटल वाला, वो थोड़ा सा यूनिक भी है, मिलता नहीं है जल्दी, तो उसके लिए थोड़ा सा लगता है कि मिल जाए। दोस्तों ये सूख रहा था, इसको मैंने गमले के ऊपर रख दिया, तो देखिए इसकी रंगत बदल गई। और इसमें मैंने ग्राफ्टिंग करी थी दोस्तों, ये देखिए, तो ये इसमें नए पत्ते, व्हाइट का इसमें ग्राफ्टिंग किया था तो इसमें नए पत्ते निकलने शुरू हो गए, ये देखिए। तो दोस्तों इसका मतलब है कि अगर अपराजिता जैसे नाजुक, नहीं अपराजिता नहीं सॉरी, सदाबहार जैसे नाजुक पौधे में आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं या मैं कर सकती हूँ, तो आप किसी भी पौधे में ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। टमाटर ऐसे भर भर बंदरों से बच गया कुछ, तो ऐसे पका है दोस्तों, अब पक के ढेर लगा है यहाँ, लेकिन मैं तोड़ नहीं पा रही हूँ दोस्तों। इस टाइम पे ना घर में बेटे हैं और मैं हूँ, कोई नहीं है, बच्चे लोग और नहीं हैं, वो रहते हैं तो कुछ कुछ तोड़ ओड़ लेते हैं, तो मैं अकेली हूँ इसलिए मैं नहीं तोड़ पा रही हूँ, मैं क्या करूँ। तो दोस्तों आइए दिखाती हूँ बड़ी अच्छी चीज़, बड़ा सुंदर, मेरा मन खुश हो रहा है। देखिए ये अभी खिलना शुरू हुआ, पूरी तरह से नहीं खिला है ये, अच्छा बड़ा बड़ा होगा, लेकिन सूरजमुखी का रूप ये ले रहा है, जो कि है ही सूरजमुखी, लेकिन अब ये थोड़ा थोड़ा सा ये दिखना शुरू हुआ है। और देखिए जिधर जिधर ये सन रहेगा ना, इसको सनफ्लावर बोलते ही हैं, सन लविंग पौधा, तो जिधर जिधर सन जाएगा ना सूरज, उधर उधर ये घूमेगा। जैसे अभी इधर है ना, तो इधर घूमा है, ये देखिए ऐसे जिधर भी वो घूमेगा ये उधर उधर घूमेगा। बैगन हमारे सारे खा गए बंदर, भिंडी हमारी अच्छी होना शुरू हो गई थी, उसको दोस्तों ऐसे तोड़े लेकिन फिर भी ये नहीं मरी है, तो मैं इसको ऐसे ही लटके रहने दी। मैंने कहा ठीक है भाई तुम रहो ऐसे ही रहो, इसी तरह से रहो। दोस्तों इसमें दो तरह की चौलाई है, एक पतली वाली और एक ये बड़ी वाली, तो ये भी बढ़ रही है। भाजी हमारे यहाँ बहुत पसंद किया जाता है दोस्तों, और खासकर गर्मी में भाजियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। इसको बंदर ने गिराया था तो ये हमसे नहीं उठा ये गमला, तो ये टमाटर पे रखा हुआ है दोस्तों, और टमाटर नीचे उसके कितने फूटे फाटे होंगे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन गनीमत है कि इसमें गिराए तो गमला, ये हमारा पौधा पलट गया था, लेकिन उसको पलट के फिर से मैं ऐसे कर दी तो ये बच गया है, मतलब पौधे मरे नहीं। आप देख लीजिए मूली भी उन्होंने ऐसा खाया था, नाच नाच के उखाड़ उखाड़ के भी खाया है इसको। खैर उनको बहुत पता रहता है दोस्तों, बहुत जानते हैं वो। ये हमारी देखिए ये चौलाई है, बहुत अच्छी क्वालिटी वाली चौलाई है। टमाटर हमारे ढेर सारे पके हैं, लेकिन अभी मैं नहीं तोड़ूंगी, आज मेरा मन नहीं है कुछ तोड़ने का, क्योंकि मेरे पास सब्जियां ढेर सारी रखी हैं। टमाटर इसमें भी देखिए ऐसे गुच्छों में फल रहा है ये, और ऐसे ऐसे पक रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से लगा दिया था। अब अगर आप टमाटर लगाएंगे ना तो नहीं होगा दोस्तों, अच्छा होगा मतलब दिखेगा पौधा, लेकिन फ्रूटिंग नहीं हो पाएगी उसमें, वो पौधा जो है फूल जो है गिर जाएगा। दोस्तों बंदरों ने ये नहीं पाया, नहीं तो इसको तो बहुत पसंद करते हैं, इसका फूल तक नोच लेते हैं, खा लेते हैं। ये भी ये नीचे लटका हुआ था, उनका ध्यान नहीं गया, तो ये भी बच गया है, देखिए कद्दू। मैं एक बात बताना चाह रही हूँ आपको, लौकी के छोटे छोटे वो जो रहते थे ना, फल रही थी लौकी, उसको छोटे छोटे उन्होंने फूल तक नोच लिया था लौकी का, लौकी बिल्कुल नहीं छोड़े थे। लौकी, सेम, बरबट्टी, बीन्स, जो कुछ था उसको सारा को उन्होंने नोच लिया था। पर कोई बात नहीं, फिर से तैयार कर लूँगी मैं वो बोलते हैं ना, वो तुरंत का था, तुरंत मेरे सामने खा रहे थे इसलिए मैं दुखी हो रही थी, पर ठीक है फिर नए सिरे से हम तैयार कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन का बटन दबा देना, और हमारी अपराजिता देखो। और इसने तो कसम खा ली है कि ब्लू तो हम खिलेंगे ही नहीं, जिन्होंने कहा था वो पता नहीं वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं कि मैडम ये जो आप लगा रही हैं इसमें सिर्फ व्हाइट खिलेगा,
तो एक पौधा दोस्तों ब्लू खिला हो, गजब हो गया। अच्छा हुआ ब्लू को मैंने बचा लिया था, नहीं तो मैं तो ब्लू के बिना हो। दोस्तों ये देखिए, एक एक यहाँ पर है अपराजिता, ये नहीं खिली है पर मुझे विश्वास है ब्लू होगी। और मैं और दिखा रही हूँ आपको दोस्तों, एक ये है, ये देखिए इसमें खिला हुआ भी है, लेकिन मौसम अभी इतना अच्छा नहीं है कि मैं इसको रिपोर्ट कर सकूँ। ये देखिए कितना प्यारा कलर है ना, वो जो आई थी उनके पास डबल पेटल का है लेकिन वो ले के नहीं आई। तो ये देखिए ये ब्लू यहाँ पर है, तो मतलब ब्लू का ऐसा नहीं है, चलो नहीं उगा, वाइट है। वाइट मुझे चाहिए था, बड़ी मेहनत से मिला और मैंने दो चार लोगों को वाइट बांटा भी। अभी बहुत सारा निकलेगा पराजिता, क्योंकि यहाँ वहाँ ढेर सारी सीड गिरी है। यहाँ पर मैंने रखा था कई दिन तक वो सीड ब्लू वाली, तो यहाँ नीचे गिरी थी, तो ये तो खैर झाड़ू मारेंगे तो कचड़े में चला जाएगा, पर कोई नहीं मेरे पास है। तो दोस्तों आइए चलते हैं अब, और वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों जो बोगनवेलिया आप कलम से उगाते हैं उसमें फूल लेने में कम 4, 5 या 6 महीने लग जाते हैं। मेरे हालांकि ये पौधे 4 महीने में फूल देने शुरू हो गए थे, लेकिन अभी ये सेप में नहीं हैं। इनकी प्रूनिंग होती रहेगी तो ये फिर सेप में आएंगे। तो आज मैं इनकी प्रूनिंग करूँगी, ज़रूरी नहीं मैं आपको दिखाऊँ, या टाइम रहेगा तो मैं दिखाऊँगी भी। तो इनको आज मैं प्रून करूँगी। जैसे ये खिल गए हैं तो इनको हटा देना चाहिए, ये खिल गए हैं इनको हटा देना चाहिए, क्योंकि फूल के नए ग्रोथ में ही आता है। तो जब इनको हटाएंगे तभी इनमें फूल आएंगे, नहीं तो ये झाड़ी की तरह आगे बढ़ता जाएगा और ये फूल अच्छे इसमें नहीं आएंगे। अगर आप इसको बॉन्जाय बनाना चाहते हैं, एक अच्छा सा लुक देना चाहते हैं छतरी टाइप का, तो इसको प्रून करते रहिए। दोस्तों इसको भी मैं छतरी जैसे ही लुक देना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इसको प्रून करना चाहती हूँ ऊपर से, ताकि इसमें ब्रांचेस निकले। देखिए जिनको मैंने कट किया था उसमें दो दो चार चार ब्रांचेस निकल रहे हैं। ये देखिए इसको मैंने कट किया था, लेकिन उधर के जो हैं उनको नहीं पाई थी। ये देखिए लंबा से ये जा रहा है, तो इनको सबको कट करना है हमें। ये हमने टमाटर तोड़ लिए, अब चलते हैं नीचे की छत में। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, यानी यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपने पूरी वीडियो देखी, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आप लोगों का हृदय से आभार। आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हमें सराह भी रहे हैं, और सबसे अच्छी बात कि आपके कमेंट्स आ रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं जिनमें मैं अमल भी कर रही हूँ। तो दोस्तों इसी तरह से वीडियो देखते रहें, ऑर्गेनिक की ओर चलें, ऑर्गेनिक खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और अब गर्मी आ गई है तो अपने पौधों का विशेष ख्याल रखें। तो दोस्तों बहुत बहुत आभार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।